2014 में दिल्ली में जो सबका साथ और सबके विकास किया एक सफर शुरू हुआ था, वो सफर 2019 तक पहुंचते पहुंचते सबके विश्वास में परिवर्तित हो गया। और वो सबके विश्वास को जीतने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी जी के नेतृत्व में विकास का पहिया जो तेलंगाना तक पहुंचा है, उस विकास के माध्यम से आज विश्वास को अर्जित करने के लिए मैं तेलंगाना में आया हूं। और तेलंगाना में जो हमारे यहां पे सभी समुदाय के, चाहे वो जैन हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, सभी समुदाय के बीच में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं की समीक्षा भी की जाएगी, किस हद तक उनके बीच में इस लाभ को पहुंचाया जा रहा है उसकी समीक्षा होगी। उस समीक्षा की बैठक के बाद गवर्नर साहब को मेमोरेंडम दिया जाएगा कि यहां पर किसी समुदाय की क्या आवश्यकताएं हैं, क्या जरूरतें हैं। और मैं तेलंगाना के आवाम, खासकर यहां के अल्पसंख्यक समुदाय, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे वो क्रिश्चियन समाज हो, जिस समाज से भी हो, उसको ये विश्वास दिलाने के लिए आया हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सबका विश्वास जीतने का सपना है, हम उस विश्वास को आपके बीच में अर्जित करेंगे विकास के माध्यम से। और ये यकीन रखिएगा कि हमारी तरफ से, केंद्र सरकार से जो विकास का पहिया चलेगा, वो बिना जात बिना धर्म किसी को भी सामने आने नहीं देगा, कतार में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति का उदय ही करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله अलाउड नहीं है ना इतने भीड़, थोड़ा प्लीज कम कर।